सूर्य आत्मा मनश्चंद्र तदात्मा जीव योगवान लग्नांशाद् द्वादशांशाद् वा ग्रहाणां फलमादिशे। सूर्य आत्मा मनश्चंद्र, सूर्य आत्मा है और मन चंद्रमा है। यह कुंडली रूपी शरीर में सूर्य ही आत्मा है और मन चंद्रमा है। और सूर्य आत्मा और मन चंद्रमा का संयोग जब होता है तब उसमें जीवत्व आ जाता है, चेतनता आ जाती। तदात्म जीव योगवान, इसी मन के साथ योग होने से वो आत्मा जीवात्मा से युक्त हो गया कहा जाता है। अतएव सूर्य के आधार पर, चंद्र के आधार पर ही मने लग्न कुंडली और आपके राशि कुंडली, इसी के आधार पर ही हमेशा फलादेश करना चाहिए। लग्नांशात और द्वादशांशात द्वा, लग्न के अंश नवमांश और चंद्र के अंश जो द्वादशांश है, इन्हीं के विकल्प से किसी एक को लेकर के ही ग्रहाणाम फलम आदिशित, ग्रहों के फल का कथन करना चाहिए। एक और उपमा देकर कथन कर रहे हैं, इंदु सर्वत्र बीजाभो लग्नंच कुसुम प्रभम फलेर सदृशवंशश्च भावस्वादो रस स्मृतः। कहते देखिए, इंदु सर्वत्र बीजाभो, चंद्रमा बीज के सदृश समझो। यदि हम कुंडली को एक वृक्ष माने और उसमें मुझे फल मिलेगा, रसदार फल मिलेगा, साधारण नहीं, सूखा फल नहीं, रसदार फल, तो पुष्प क्या होगा, बीज क्या होगा, फल और रस क्या है। इंदु सर्वत्र बीज आव, बीज के सदृश कौन है, चंद्रमा, और पुष्प क्या है, कुसुम प्रभम लग्नम, लग्न ही कुसुम के सदृश है। जब पुष्प में बीज गिरता है तब वह पुष्प फल बन जाता है। इसको स्व मैथुन कहा जाता है और पर मैथुन होता है। मैथुन दो प्रकार से ही संसार में, स्वगत मैथुन हो जाता है, परगत मैथुन हो, स्त्री और पुरुष क्या पर मैथुन है, लेकिन पुष्प में स्व मैथुन, उसको अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस माने पुरुष, नादा और मर अलग अलग हो, मादा नर मिलेंगे। और ऐसा नहीं वृक्षों में अधिकतर क्या है, पुष्प होता है, उसी में बीज से निकलता है, बीच में केसर, वहीं से बीज गिरता है पुष्प में, जिसमें गिर गया वो पुष्प फल बन जाता है, नहीं है पुष्प मुरझा के खत्म हो जाता है। तो लग्न रूपी पुष्प में चंद्र रूपी बीज का संबंध जब होता है तब फल निकलता है। इंदु सर्वत्र बीजाभो लग्नंच कुसुम प्रभम फले न सदृशो अंशश्च, ये जो नवमांश पढ़े उसका फल पढ़ रहे थे वही फल है समझो। नवमांश ही फल निकला लग्न के, भाग किया आपने नौ भाग किया, जो नवमांश बन गया, ये चंद्र और लग्न के संबंध से जो नवमांश उत्पन्न हुआ है वो नवमांश ही वास्तव में फल है। और उस फल में रस क्या होगा, तक कहते हैं भाव स्वादो रस स्मृत, ये चंद्र निमित्तक द्वादशांश है वो रस है, द्वादशांश रस है, नवमांश फल है। अतः नवमांश रूपी फल में द्वादशांश रूपी रस से युक्त हो जाए तब वह फल स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो ज्योतिषी इन दोनों को मिला करके फलादेश कर देता है वही सम्यक फल होता है। केवल नवमांश पर बोलेगा वो भी पूरा ठीक नहीं, केवल द्वादशांश पर आधारित बोलेगा वो भी ठीक नहीं,
दोनों को सम्मिश्रित करके बोलेगा, इसे रसयुक्त फल ये स्वादिष्ट होता है, द्वादशांश युक्त नवमांश से जो फलादेश होता है वही असली फलादेश होता है। इसलिए हमें अब द्वादशांश का फल की बताना पड़ेगा, चंद्र के राशिगत फल बताना पड़ेगा। चंद्र राशि मेष फल है, लोलन नेत्र सदा रोगी धर्मार्थ कृत निश्चय पृथुजंग कृतघ्नश्च निष्पापो राजपूजित कामिनी हृदयानंदो दाता भीतो जलादपि चंडकर्मा मृदुश्चान्ते मेषराशौ भवेन्नरः। मेष राशि में उत्पन्न व्यक्ति चंचल नेत्र वाला सदैव रहेगा। प्रसन्न चंद्र की राशि मेष राशि में आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए किसी बच्चे का वृषभ में होगा, किसी का मिथुन में, बारह राशियों में भी सबका जन्म होना है। यदि मेष राशि में जन्म हुआ है तो क्या फल है, और उसमें भी पहले आएगा आगे एक एक भाव में विचार करेंगे, सूर्य आदि होगा तो क्या क्या होगा विशेष बताएं। पहले सामान्य बारह राशि का, चंद्र के बारह राशि के बारह फल बताएंगे। इसलिए एक एक में शायद लगभग दो दो श्लोक होगा, एक दो गह दो जगह एक ही श्लोक बोलेंगे 288 तक। फिर चंद्र कुंडली में से प्रत्येक ग्रहों का अलग अलग फल बताएंगे, वो 84 हो जाएगा। ये आपका होगा 9 × 18 में एक कम है 266 से 288 हो गए ना, 24 होना चाहिए, हाँ एक कम है, बल्कि दो कम गए, राहु को छोड़ देंगे इधर, यहाँ एक वृषभ राशि के लिए एक ही श्लोक से बोलेंगे, एक श्लोक और कम हो गया, दो दो नहीं बोलेंगे। देखो मेष राशि में जन्मने वाला व्यक्ति अधिकतर कैसा होता है, लोल नेत्र चंचल आंग वाला होगा, उसके आंग बिल्कुल मटकाते रहेगा, यूं यूं घूमते रहेगा, कभी स्थिर होगा ही नहीं, इधर देख उधर देख उधर देख देख दे रहेगा चारों तरफ, लोल नेत्र, और सदा रोगी सदैव रोगी होगा। धर्मार्थ कृत निश्चय, धर्म और अर्थ के विलय संदर्भ में वह कृत संकल्प वाला होगा, उसकी जांघें मोटी मोटी होगी, पृथुजंग मोटी जांघों वाला होगा, और कृतज्ञ है वो, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ, आपके किए सब जो है सेवाओं को सबको मित्रता को सबको भूल जाता है अपने स्वार्थ में। निष्पापो लेकिन पाप रहित भी है, राजपूजित राज से सम्मानित है, कामिनी हृदयानंद स्त्री के हृदय को आनंदित करने वाला होगा, दाता है दान भी देता है, भीतो जलादपि जल से भी भयभीत होता है, कठोर कार्य करने वाला चंडकर्मा मृदुश्चांत है, ऐसा होते भी अंततः जीवन समाप्त होते होते उसके सारे अहंकार चकनाचूर हो जाता है, अब विनय भाव आता है, बुढ़ापे में विनय भाव को प्राप्त करता है। मृदुश्चंत मेषराशो भवेन्नरः, वृषभ राशि में जन्म लेने वालों के लिए एक ही श्लोक में कार्य, भोगी दाता शुचिर दक्ष महासत्व महाबलः धनी विलासी तेजस्वी सुमित्रश्च वृषे भवे। यदि वृषभ राशि में जन्म हो तो वह व्यक्ति भोगी अनेक प्रकार सुख भोग करने वाला होगा, दान दाता है, शुचि शुद्ध पवित्र रहने वाला, दक्ष कुशल है, महासत्तो महान अंत आत्मा होगा उसका, महाबल शक्तिशाली भी होगा, धनी होगा, वे विलासी होगा, तेजस्वी एवं सुमित्रश्च अच्छे मित्रों वाला होता है। ये सब कुछ अच्छा ही लगभग लगभग है ना, एक विलासिता को छोड़ के बाकी सब ठीक है, विलासिता एक थोड़ी सी गड़बड़ी बाकी सब अच्छा है। मिथुन राशि वाले के बारे में बता रहे हैं, मिष्टवाक्यो लोल दृष्टिर दयालोर मैथुन प्रिय गांधर्व वित्कंठ रोगी कीर्ति भागी धनी गुणी गौरव दीर्घ पटुर्वक्ता मेधावी च दृढ़व्रतः
समर्थो न्यायवादी च जायते मिथुने नरः। मिथुन में जो मिथुन राशि में जो जन्म लेते मनुष्य वह मिष्ट वाक्य सदा ही मृदुभाषी होगा, मीठा मीठा बोलने वाला। इतना मीठे बोलते हैं कुछ लोगों की स्वभाव होता है। यहाँ उत्तर के उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों को बोलते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा मीठा है, एक कहावत वहाँ बना दिया लोगों ने, ये जूता पहने पेट में उतर आता है, जूता पहने ही पेट में उतर जाता है। मैंने आपके पेट का कोई बात छोड़ेगा नहीं, ऐसा मीठा बोलते जाएगा और आप जहाँ ना चाहते सब बातें बोल देंगे। ऐसा मृदुभाषी होना, आपने सुना होगा यह कहावत? नहीं नहीं सुना है? अभी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रसिद्ध है। और कैसा होता है? लोल दृष्टि भी चंचल दृष्टि वाला होता है, दयालु दयालु भी होता है, मैथुन प्रिय, लेकिन स्त्री भोगी यह गड़बड़ है इसके अंदर। स्त्री प्रसंग का इच्छुक सदा रहता है। गांधर्व वित्त गंधर्व विद्या नृत्य गायन आदि की विद्या में कुशल होता है, लेकिन गले में कोई न कोई रोग होगा, कंठ रोगी। अच्छे अच्छे गायकों को गले का कैंसर हो जाता है इसीलिए कंठ रोगी। कीर्ति भागी धनी गुणी, और यशस्वी होगा, कीर्ति होगा, धनी भी होगा, गुणवान होगा। गौरव गौर वर्ण वाला, दीर्घ लंबे शरीर वाला, पटुर वक्ता, और बोलने में भी अत्यंत कुशल रहेगा। पटु वक्ता अथवा पटु अलग कर दो, कार्य कुशल है और वक्ता अलग कर दो। मेधावी बुद्धिमान, दृढ़ व्रता दृढ़ संकल्प वाला, समर्थ हो सभी प्रकार कार्य करने में समर्थ है, और न्यायवादी च न्याय प्रिय होता है। कर्क राशि वाला, कार्यकारी धनी शूरो, धर्मिष्ठो गुरुवत्सल, शिरो रोगी महाबुद्धि, कृशांग कृतवित्तम, प्रवासशील कोपांधो, अबलो दुखी सुमित्रग, अनासक्तो गृहे वक्र, कर्कराशो भवेन्नर। कार्यकारी सबसे पहले कर्क राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति कार्य करने वाला होता है, किसी भी कार्य के लिए ना नहीं बोलता, हर कार्य में हाँ ही बोलता, भले करे ना करे, ना कभी नहीं बोले, जो भी काम बोला हाँ जो करते हो जाएगा हो जाएगा, करना आता कुछ ही नहीं, करेगा ही नहीं, इनकारी कार्य। और धनी धनवान भी होता है, शूर होता है, धर्मिष्ठ धर्म निष्ठा रखने वाला धर्मवान पुरुष होता है, धार्मिक, गुरुवत्सल और गुरु का प्रिय होता है। शिरोरोगी सदा इसमें सिर दर्द, आधा सीसी कहीं पूरी सीसी कहीं कोई सीसी होते ही रहता है, सिर दर्द होते रहेगा इसको। महाबुद्धि और अतीव बुद्धिमान रहेगा ये, कृशांग दुबला पतला होगा, दुबला शरीर वाला होगा। सभी प्रकार के कृत्य वित्त महा, सभी कार्यों का जानने वाला भी होगा, प्रवासी और घूमते फिरते रहने वाला। भयंकर क्रोधी भी होता है, क्रोधांधो, क्रोध के मारे अंधा हो जाता है, इतनी भयंकर क्रोधी। अबलो लेकिन निर्बल है, भले क्रोध कर ले करेगा, बल है नहीं, गुस्सा करते रहेगा, खुद के खून सूखते रहेगा, कोई फायदा ही नहीं। बलवान है तो क्रोध के दूसरे के चाटा वाटा मार दे, कुछ अपने नियंत्रण में ले ले, दुर्बल करेगा, क्रोध होते रहेगा, कंपते रहेगा, और कुछ होना नहीं बेचारा, दुर्बल शरीर है। अबला दुखी, आते दुखी रहेगा, अच्छे लेकिन मित्र वाला है, सुमित्र का अनासक्तो, वह अपने ही गृहादियों में गृहे अनासक्ता और अरुचिश्च, अपने गृह कार्य में आसक्ति भी नहीं रखता और रुचि भी नहीं रखता, किंतु वक्र बुद्धि वाला बना रहता है, वक्रा कुटिल होता है। सिंह राशि वर्णन करते हैं, क्षमायुक्त क्रियाशक्तो, मध्य मांस रत सदा, देश भ्रमण शीलश्च, शीत भीत सुमित्र कहो, विनयी शीघ्र कोपी च,
जननी पितृवल्लभः व्यसनी प्रकटो लोके सिंहराशो भवेन्नरः। क्षमायुक्तः क्षमा से युक्त रहता है वो, क्रियाशक्तः क्षमाशील है, कार्य करने में समर्थ है, मध्य मांस रतः सदा, मध्य मांस रतः सदा। यानी एक गड़बड़ी इसके अंदर, मांस मदिरा खाने पीने में भी अनुरक्त हो सकता है। देश भ्रमणशीलश्च, देश के देश विदेश भ्रमण करने के स्वभाव वाला होगा। शीत भीत, ठंडी से बड़ा डरता है, शीत से भयभीत रहने वाला। सुमित्र का अच्छे मित्रों वाला होता है। विनयी विनयशील है। शीघ्र कोपी, ये भी जो है शीघ्र क्रुद्ध रहने वाला। क्षणम इष्टम क्षणम तुष्टम इष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम, क्षणभर में गुस्सा क्षणभर में ठंडा। जननी पितृवल्लभः, माता पिता का अत्यंत प्रिय होगा, माता पिता का प्रिय होगा। व्यसनी, नशा आदि से भी चकनाचूर रहने वाला भी हो सकता है। प्रकटो लोगे, और संसार में वह प्रख्यात रहेगा। ऐसा होता है सिंह राशि में पैदा होने वाला जो मनुष्य होता है। ये जरूरी नहीं कि इन राशि में पैदा होने के सारे लक्षण घटेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं सब बराबर होंगे, बारह प्रकार की दुनिया होगी फिर तो। बारह राशि है, बारह प्रकार के लोग होंगे ना। इसे कितने गुण और कितने अवगुण गिना रहे हैं, इनमें से तारतम्य रहता है, कम बेसी होगा। सभी के सभी सब में नहीं होगा, सब बराबर नहीं है ना, कम बेसी है। गुण में भी जो है तारतम्यता लेनी पड़ेगी। धनी कर, धनी मैंने क्या, लखपति भी धनी है, करोड़पति भी धनी है, अरबपति भी धनी है, खरबपति भी है, धनी है, सब धनी तो है। अरे आपके 5 रुपए तो भी आप धनवान है, ये धन तो है ना, धनी है आप। एक बार ऐसे एक आदमी भीख मांग रहा था, और सेठ जी ने 5 रुपए फेंक दिया, और भीख मांगे ने वापस फेंक दिया। बड़ा ड्राइवर जो है समझता नहीं है सेठ जी हैं, सेठ जी का अपमान कर रहे हो तुम, सेठ जी हैं। वो खड़ा हो गया, मैं भी सेठ जी हूँ, लो 10 रुपए मेरे से। और ड्राइवर सब पका के देखते रह गए क्या हो गया, उल्टा 10 रुपए दे दिया ड्राइवर को, और खंगालने लगा, गिनने लगा, 100 रुपए निकाल लिया। सेठ जी चाहिए, अब सेठ जी का पानी पानी हो गया ना, कौन सेठ है। अरे 1 रुपया है तो भी आप सेठ हैं, धनी है, धन है, धनो अस्यस्ति धनी। धनी का मतलब करोड़पति होना ही का नाम धनी है, या ऐसा अर्थ नहीं है। संस्कृत भाषा में धनी का मतलब धन वाला, चाहे वो आधा पैसा हो, 1 पैसा, पहले जमाने में होते थे ना आधे पैसे भी होते थे एक जमाने में, आधा पैसा वाला भी धनी है, 1 पैसा वाला भी धनी है, 16 पैसा तो भी धनी है। इसे धनी कहा दिया है कि ये मतलब नहीं है कि अरबपति ही होगा, एक स्वप्न में नहीं रहना मैं कर्क राशि वाला हूँ मैं तो अरबपति होऊंगा, अरे नहीं तो खाकपति भी नहीं रह जाएगा, चक्कर में पड़ोगे। इसलिए ये सब तारतम्य से समझना है, क्योंकि करोड़ों लोग एक एक राशि के, लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग है ना एक एक राशि के इस दुनिया में। सामान्य कथन कर देते हैं, एक अंदाज मिल जाए, ये सब सामान्य गुण उसके अंदर हो सकते हैं। अधिक से अधिक जितना घटा लो अपने में घटा लो, अच्छे अच्छे गुण घटा के आदमी अपना अहंकारी बन जाता है, अवगुणों को देखता ही नहीं। बल्कि इनमें जो कमियां है वो देख लो कि अपने अंदर कमियां तो नहीं है हमारे राशि में जो बताई गई, और उन कमियों पर विजय पाने की हासिल करने के लिए प्रयास करो। इसलिए बता रहे हैं सब ज्योतिष इतना ही काम करता है, आपके गुण अवगुण दोनों बता रहा है। गुणों का पोषण करो, अवगुण का निवारण कर लो। कन्या राशि के वाले बता रहे हैं, विलासी सुजनाह्लादी सुभगो धर्मपूरितः दाता दक्षा कविर वृद्धो वेद मार्ग परायण सर्वलोक प्रियो नाट्य गांधर्व व्यसने रतः प्रवास शील स्त्री दुखी कन्या जातो भवेन्नरः। कन्या राशि में जो पैदा होता है मनुष्य, उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, उसके बारे बता रहे हैं, वह विलासी होता है। सुजना आह्लादो, सज्जनों को आनंदित करने वाला भी होगा। सुबह हमने सुंदर होता है,
धर्म से परिपूर्ण रहेगा। धन के दाता है, दानी है, दक्ष है, अर्थात कार्य करने में निपुण है, कवि है और वृद्ध। वेद मार्ग परायण, वैदिक मार्ग का अनुगामी होगा वो, सर्वलोक प्रिय, समस्त लोगों में वह प्रिय रहेगा। नाटकांधर्व व्यसन रत, नाटक नृत्य गीत आदि के धुन कोई सुनने देखने आदि में आसक्त रहने वाला होता है। प्रवासशीला, घूमने फिरने के स्वभाव वाला एवं स्त्री से सदा दुखी रहता है, वह अपनी पत्नी अपनी बेटियों से दुखी रहेगा, बहनों से दुखी रहेगा, माँ से दुखी रहेगा, स्त्री वर्ग से सदा वह दुखी रहने वाला होता है। तुला राशि के बारे में बता रहे हैं, अस्थान रोशनो दुखी मृदुभाषी कृपान्वितः चलाक्षस चल लक्ष्मी को गृह मध्य अति विक्रमः वाणिज्य दक्षो देवानां पूजको मित्रवत्सलः प्रवासी सुहृदामिष्टस् तुला जातो भवेन्नरः। तुला राशि में उच्चात मन उत्पन्न जो मनुष्य नरः भवेत, ऐसा होता है। अस्थान रोषणो, अकारण क्रोध करता है, बेफालतू का गुस्सा होना, बात बात झूठे मूठे गुस्सा होता है वो, इसीलिए सबको अपने अंदर दबाए रखने के लिए, लोग डरेंगे, अरे गुस्सा होता है गुस्सा होता है, और खुश करने में लगे रहेंगे चमचागिरी में, तो गुस्सा न होगा वो और ज़्यादा करता है नाटकबाजी, ताकि सब डर रहे ना हमसे, तो और डरने की कोशिश करता है। नहीं डरते कोई तो कुछ और नाटक नहीं रचेगा ना वो। एक बार नई बहू आई घर में, उसने देखा ये घर वाले हमको कुछ समझते ही नहीं, इनको दबाए रखे कैसे जाए। उसने इधर उधर चाकू मार लिया, थोड़ा कपड़े फाड़ लिए और गई पुलिस स्टेशन में, बोल दिया मेरे सास ससुर बैठते हैं, मेरा देवर जेठ सब पिटाई करते, देखो मेरा क्या हालत कर दिया। अब पुलिस आई, सबको पकड़ के ले गई, सब पिटाई कर दिया। भाई पूछते क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं था, हम लोग कुछ किया ही नहीं है। नहीं नहीं बोला, अब कहाँ कुछ करेंगे, कुछ बोले ही नहीं हम लोगों ने। तो उससे पूछ रहे, फिर बहुत महिला पुलिस को भेज करके इंक्वायरी करने लगी, से धीरे से बीठे मीठे में पूछी वो महिला पुलिस है, वो बोल दिया क्या करें, हमको कोई पूछता ही नहीं था यहाँ पर, हमने देखा कि किस दबाव पैसा कह रहा, अभी सब हमसे डरेंगे, कोई दोबारा नाटक न कर दे, हम जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे, थोड़ा हमारी भी तो अहमियत रहेगी यहाँ पे, कीमत कुछ होगा हमारा। ऐसे ऐसे नौटंकी करने वाले औरतें भी होती है। अस्थान रोशनो दुखी, व्यर्थ का क्रोध दिखाना और दुखी होन रहना, स्वयं दुखी रहना, सबको दुखी करना, लेकिन साथ साथ मृदुभाषी भी है, बड़ा मीठा मीठा बोलने वाला, कहीं कृपान्वित है माने दया से युक्त रहता है, सब पर दया करने वाला होता है। चलाक्षस, और इसका भी अंग चंचल है, चंचल नेत्रों वाला, चल लक्ष्मी को अस्थिर धन वाला होगा, पैसा आते रहेगा जाते रहेगा, ऐसे बहुत आते लोग लोते रोते रहते महाराज क्या करे, कुछ बरकत नहीं है, यहाँ की भाषा है बरकत नहीं, मैंने कुछ बचा है बचता ही नहीं, आया गया आया गया आया गया, क्या करें। कई बार कई संस्था वाले भी परेशान रहते हैं, इसमें आ रहे पैसे जा रहे, अरे कुछ तो बैंक डिपॉजिट करना चाह रहे हैं वो संस्था वाले, कुछ होता ही नहीं, तो वो भी वही कहेंगे बरकत नहीं है, भगत आ रहे जा रहे हैं लेकिन माल बचता नहीं। कभी ये बात स्थिति बनती है, चल लक्ष्मी कहो गृह मध्य अति विक्रम, अपने घर में महान विक्रमशाली है, घर के कबार कदम करते ही गिदड़ से भी खराब, गिदड़ होता है ना आवाज से भाग जाता है, डरपोक होता है, बाहर तो महा डरपोक है और घर के भीतर शेर से कम नहीं है। गृह मध्य में अतिविक्रमा वाणिज्य दक्षो देवानाम पूजको, वाणिज्य में व्यापार में अत्यंत कुशल है, और देवताओं का पूजक होता है, मित्रों का प्रेमी, प्रवासी भी भ्रमणशील रहेगा। सुहृदाम ने विशेष जो अति प्रिय लोगों के भी वो इष्ट रहता है, प्रिय पात्र बनाता है, प्रेम पात्र हो जाता है,
अब आइए वृश्चिक राशि। बाल प्रवासी क्रूरात्मा शूरा पिंगल लोचन पारदार रतो मानी निष्ठुर स्वजने भवे साहस प्राप्त लक्ष्मी को जनन्यामपि दुष्टधीः धूर्तश्चौर कलारंभी वृश्चिके जायते नरः। वृश्चिक राशि में उत्पन्न होने वाला जो व्यक्ति है बाल्यावस्था से ही बाल्यावस्था से ही वह देश परदेश में रहने वाला हो जाता है। बचपन में उसको कई होते ना अमीर लोग होते हैं बच्चों को सीधा लाके मसूरी में भर्ती कर देते माँ बाप के सगले साल में एक बार मुश्किल से देख पाता है बच्चा छोटेपन से ही। कई होते हैं विदेशी के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं मसूरी में माँ बाप के पास 4-5 साल में एक बार आते हैं। बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा है ना वहीं पढ़ रहा है लिख रहा है आगे पढ़ रहा है ऐसे भी होते हैं। तो बाल्य अवस्था से ही प्रवासी हो गया परदेश में रहने वाला हो जाता है। अति वास्तविक प्यारा दे नहीं मिलता है तो क्रूर आत्मा अंदर सुखापन रहता है। जो आजकल देखते हैं माता पिता का प्यार मिलने पर भी क्रूर आत्मा हो रहे हैं क्यों दादा दादी का प्यार नहीं है नाना नानी का प्यार नहीं मिलता वो एक अलग ही पोषण होता है। मन के बुद्धि के विकास में वो अत्यंत आवश्यक है। इस बात को समझता नहीं आज की नवीन जो समाज है अरे बूढ़ा बूढ़े भेज देंगे बूढ़ा बूढ़ी जब दिमाग खराब कर देंगे इसको है स्तोत्र पाठ करा देंगे हनुमान से पाठ करवा देंगे दिमाग खराब कर देंगे इसलिए नाना नानी दादा भेजते नहीं बच्चों को। और नतीजा क्या हो रहा है वो जो बच्चे आज 20 साल पहले की इस तरह स्थिति में पैदा हुए बड़े हैं आज 20 साल बाद अपने माँ बाप को भी देखना नहीं चाहते। ये आगे कह रहा है क्या होते हैं वो अपने माँ को देखना नहीं चाहता हूं। जनन्याम अपि दुष्ट दी ही कि सर्वे समाज से प्राप्त होने वाला जो अनेक प्रकार की केवल प्यार नहीं शिक्षा भी प्राप्त होती है उसमें उस विकास से विहीन होने के कारण से उसके अंतकरण में क्रूरता आ जाती है सूखापन होता है क्रूर आत्मा हो जाता है। शूरः पिंगल लोचनः और भले क्रूर स्वभाव वाले नहीं शूर भी है आंखें पीले पीले हो जाते हैं पीलिया जैसे रोग वाले को होता ना वैसे पीले पीले आंख वाला पिंगल लोचनः पारदार रतोमानी पारदर हो गया दार के लिए पारदार रतोमानी दूसरे के पत्नियों में ही मन लगाए रखने वाला आसक्त रहने वाला निष्ठुर हो स्वजने भवेत अपने ही भाई बंधुओं के प्रति वह निर्दयी होता है रमानी मानी पहले आया हुआ है माने अभिमानी होता है। साहस प्राप्त लक्ष्मी को अपने ही साहस से विशेष प्रयास से वह धन कमा के वह धनी होने वाला होता है। जनन्याम अपि दुष्ट दी अपनी ही माता के प्रति भी वह दुष्ट बुद्धि वाला होता है। धूर्त होगा चोर होगा चौरा कलारंभी चोरी की कला के अभ्यास करने वाला होगा जो वृश्चिक राशि में पैदा होता है। धनुराशि वाले के बारे बता रहे हैं शूर सत्य धिया युक्त सात्विको जननंदन शिल्प विज्ञान संपन्नो धनाढ्यो दिव्य भार्यक मानी चरित्र संपन्नो ललिताक्षर भाषक तेजस्वी स्थूल देहश्च धनुर्जात कुलांतक। जो धनुर्राशि में पैदा होता है वह शूर होता है सत्य धिया युक्त हमेशा ही सत्य बुद्धि से युक्त होगा सात्विक होगा मनुष्यों में सभी के हृदय को आनंदित करने वाला होगा शिल्प विज्ञान से संपन्न होगा शिल्प ने मूर्ति कला आदि से संपन्न होगा विज्ञान से भी संपन्न होगा वो केवल कला संपन्न नहीं अनुभूति से भी युक्त रहेगा। वो धनाढ्य होगा तेव और दिव्य भार्य को सुंदर दिव्य स्त्री को प्राप्त कर जाओ पत्नी के रूप में
अभिमानी होगा तेवा चरित्र संपन्न चरित्रवान भी होगा। ललिताक्षर भाषण सुंदर शब्दों को बोलने वाला, बोलता है तो लगता है कविता गा रहा है वो, ऐसे शब्द की उसके प्रयोग करेगा, ये रसदार शब्द बोलते हैं ना वैसे, अनुप्रास प्रासानुप्रास प्रयोग कर देगा, अलग सुनते जाओ बोलते जाए सुनते जाओ, इतना उसको बोलने में एक विशेष रस होता है जिसको नवधा रस में से श्रृंगार रसयुक्त कहा जाता है। ऐसे उसकी वाणी होगी, ललिताक्षर भाषक तेजस्वी स्थूल देहश्च, और तेजस्वी होगा और स्थूल देह मोटे मोटा शरीर, मोटा भाई नहीं मोटा भाई होगा, मोटे 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 स्थूल देहश्च धनुराशि में जो उत्पन्न होता है। कुलांतक सबसे बड़ा खराबी है वो अपने कुल का नाशक होता है, धनुराशि वाला धनुष को अपने कुल पर चला देता है, दूसरे के लिए प्रयोग तो करें सो करें ना, अपने कुल पर वार करने वाला भी हो जाता है, ये धनुराशि का सबसे बड़ी खराबी है। मकर राशि के बारे में, मकर राशि में पैदा होने वाले के बारे में बता रहे हैं, कुले नष्टो वशस्त्रीणाम पंडित परिवादक गीतज्ञो ललिताग्राह्यो पुत्राढ्यो मातृवत्सल धनी त्यागी सुभृत्यश्च दयालुर्बहुबान्धव परिचिन्तित सौख्यश्च मकरे जयते नरः। कुले नष्टो वशस्त्रीणाम, मकर राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कुल में हमेशा नष्ट प्राय रहेगा, पूरे कुल वाले उसको कुछ नहीं गधा समझता है, बेकार आदमी फालतू निकम्मा है ऐसी है, सब धुतकारती रहते हैं, किनारा फेंक देते हैं, पूरा कुल के लोग इस मकर राशि वालों का अधिकतर किनारा ही कर देते हैं। और स्त्री नाम वशः, स्त्रियों के वशीभूत रहने वाला है पंडित, लेकिन यदि पढ़ लिख लेगा तो विद्वान भी हो जाता है। परनिंदक परिवादक मने परनिंदा करने वाला हो, जो पंडित एक बार ऐसा आदमी पंडित हो जाए ना, किसी दूसरे को कुछ समझेगा क्या, दूसरे विद्वानों की भी निंदा करते फिरते रहेगा। परनिंदक गीतज्ञ गायन करने में भी समर्थ रहता है। ललिता ग्राह्य सुंदर स्त्रियों का प्रिय पात्र हो जाता है, पुत्रों से युक्त पुत्राढ्य मातृवत्सला माता का भी प्रिय होगा, धनी होगा त्यागी होगा और अच्छे बढ़िए ईमानदार नौकरों से युक्त होगा। आजकल नौकरों की कमी नहीं, सभी नौकरी चारे सब नौकर बन रहे हैं, इनको ही ईमानदार नौकर नहीं मिलते, सब बेईमानी बेईमानी है नहीं, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यदि नौकरी करने वाला अपना नौकरी ठीक से करे, नौकरी करने वाला कौन होगा नौकर, ये नौकरी ईमानदार होता तो भ्रष्टाचार कहाँ से आता। जितने नौकर कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी नौकर हो, चाहे निजी संस्थान में नौकरी करने निजी नौकर हो, चाहे घरेलू नौकर हो, सब जगह कहीं ना कहीं गुप्पा छपा हुआ भ्रष्टाचार चल रहा है। आपको लगता है बिल्कुल अमेरिका बहुत बढ़िया नौकर है, बहुत ईमानदार बहुत सही है, आपको पता नहीं पीछे कितना साफ कर रहा है, कभी कभार सामने आ जाता है बात, ये तो है नहीं, छिपने वाली बात तो है नहीं, कब तक करेगा। एक ऐसा औरत आती थी किसी घर में भोजन बनाने के लिए, अब विश्वास था उसके ऊपर पूरा, ऐसा उसने विश्वास जीत लिया उनका, कभी कोई मसाला पैकेट यहाँ अंदर डाल लेती थी और निकल जाता, कौन जांचेगा कौन पकड़ेगा है? अब हुआ क्या है कि नहीं बहू आ गई, उसने देख वो सही क्या बात है, चार दिन पहले तो मसाला पैकेट लाया था, गया का मसाला पैकेट अभी इतनी जल्दी खत्म कैसे होगा, किसमें डाला नहीं हमने, अरे रोज चना दाल थोड़ा बन रहा, चना मसाला खत्म हो जाएगा, कहाँ गया ये। उसने सोचा कि भाई तो हम भी सासू माँ कहेंगे तू ही गड़बड़ क्या बोल देंगे, अपने माँ के ले गई हो आरोप लगा देते ना, तो माँ के ले गई होगी मुसीबत है, इसलिए उसने चुपचाप जो है कैमरे फिट कर दिया रसोई में,
न सासु को पता न ससुर किसी को पता ही नहीं। अब वो पकड़ा गई नौकरानी, अब पूरा सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिर सासू माँ सबको बिठा करके परिवार दिखाया, देखो तुम्हारी नौकरानी 25 साल से कर रही है, विश्वास है तुमको इतना, ये देखो इतना बेईमान औरत है, रोज ना एक एक पैकेट डाल रही है, कुछ ना कुछ जर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इसीलिए बहुत खतरनाक होता है नौकर। यही समझा रहे मकर राशि वाले में समस्या है। और कैसा होता है त्यागी सुभृत्यश्च, इसलिए ईमानदार नौकर वाला होना बहुत भाग्यशाली होता है। मकर राशि वालों को ईमानदार नौकर मिलते हैं, बाकी राशि वालों को तो ऐसे ही मिलते हैं। ये कि मैं कहा ना, इसलिए बाकियों में कहा ही नहीं ये बात। सुभृत्यश्च दयालु और बहु बांधव, और मकर राशि वाले दयालु भी होते हैं, बहुत सारे बंधु बांधव वाले। परिचिंतित सौख्यश्च, बहुत भाई आदि संबंध वाला होने के साथ साथ सुख के लिए अधिक चिंतन करने वाला होता है। परिचिंतित सौख्य, ऐसे होता है मकर राशि में जो जन्म लेता है। कुंभ राशि में जन्म लेने वाला दाता लस कृतज्ञश्च गजवाजी धनेश्वर शिव दृष्टि सदा सौम्य धन विद्या कृतोद्यम पुण्याढ्य स्नेह कीर्तिश्च धन भोगी स्वशक्तितः शालूर कुक्षिर निर्भीकः कुंभे जातो भवेन्नरः। कुंभ राशि में जन्म लेने वाला मनुष्य का स्वभाव अधिकतर दाता होता है, दान करने के स्वभाव वाला होगा, किंतु आलसी होगा, कृतज्ञ होगा, कृतघ्न नहीं, यह अच्छा है, कृतज्ञ। कोई भी थोड़ा सा उपकार करेगा तो हमेशा याद रखने वाला होगा। गजवाजी धनेश्वर हाथी घोड़ा पालकी से युक्त होगा। आप कन्यालाल बोलते हाथी घोड़ा पालकी, इसको हाथी घोड़ा पालकी वाला होगा। और आजकल हाथी घोड़ा पालकी क्या करेंगे, आजकल कहना पड़ेगा बाइक कार एरोप्लेन वाला होगा। पहले तो बाइक वाला होता है, फिर कार वाला होता है, फिर अपना हेलीकॉप्टर एरोप्लेन खरीद लेता है। गजवाजी धनेश्वर शिव दृष्टि सदा सौम्य, और कैसे होता है शुभ दृष्टि रखने वाला, सबके प्रति शुभ दृष्टि समा दृष्टि रखता है, सदा ही सौम्य होगा, सदा ही कोमल स्वभाव वाला बना रहेगा। धन विद्या कृतोद्यम, धन और विद्या हेतु हमेशा कृत उद्यम रहेगा, प्रयत्नशील रहेगा। पुण्याढ्य पुण्य के से पुत्र से युक्त होगा। स्नेह कीर्तिश्च स्नेह युक्त और यशस्वी युक्त भी होगा। धन भोगी स्वशक्तितः अपनी शक्ति से धन कमा करके उसका उपभोग करने वाला होगा। शालूर कुक्षी मेढक की तरह उसका पेट होगा, मेढक का पेट के समय, शालूर कहते मेढक को, मेढक के कुक्षी पेट के समान पेट आकार होगा ऐसे व्यक्ति का। निर्भीक और भय रहित होता है, कोई कोई कहा था ना जल से ही भयभीत होने वाला, ऐसे भी लोग है छुपगली से भयभीत होते हैं, ऐसे है जो तिलचट्टा कॉकरोच से भी भयभीत हो जाते हैं, ये सबसे भयभीत होने वाले देखे गए हैं। या तो निर्भीक किसी से भी भय नहीं, शाम से भी भय नहीं इसको। अंत में आता है मीन राशि में जन्म लेने वाला गंभीर चेष्टित शूर पटुवाक्यो नरोत्तम कोपन कृपणो ज्ञानी गुणश्रेष्ठ कुल प्रिय नित्य सेवी शीघ्रगामी गांधर्व कुशल शुभ मीन राशो समुत्पन्नो जायते बंधुवत्सल। मीन राशि में जन्म लेने वाला जो मनुष्य होता है वह प्रायः कैसा होता है, गंभीर चेष्टित गंभीर चेष्टा करने वाला है, शूर होता है, पटुवाक्यो बोलने में अत्यंत चतुर, नरोत्तम में मनुष्यों में श्रेष्ठ, लेकिन क्रोधी होता है, कृपण भी होगा, ज्ञानवान ज्ञान संपन्न है, गुण श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है, कुल प्रिय अपने कुल के लोगों के लिए वह अत्यंत प्रिय होता है, नित्य सेवी नित्य सेवा भाव से युक्त है, शीघ्रगामी कहीं भी जाना आना हो झटपट जाने आने वाला है। गांधर्व कुशल शुभ
और नृत्य गीत आदि में कुशल है, शुभ दर्शन वाला है, और विशेषता गौर कहा दिया अंत में बंधुवत्सल, भाई बंधुओं का विवाह प्रिय होता है। इस प्रकार से चंद्र राशि क्या अपना फल बता दिया। अब चंद्र राशि को जो राशि कुंडली बनाऊंगा, उस राशि कुंडली के कौन से भाव में सूर्यादि ग्रह होने पर उनका प्रत्येक का फल क्या क्या होगा उसको आरंभ करेंगे। राशि कुंडली बनाओ और प्रत्येक भाव में अवर्णन होगा। चंद्र राशि है, चंद्र राशि का पहला भाव में सूर्य हो, दूसरे में, तीसरे में, अलग अलग भाव में सूर्य हो तो क्या मिलेगा। चंद्र राशि के प्रथम में मंगल है, दूसरे मंगल, तीसरे मंगल, क्रमशः मंगल हो तो क्या होगा, बुध होगा तो क्या, गुरु होगा तो क्या, शुक्र होगा तो क्या, शनि होगा तो क्या, राहु होगा तो क्या। चंद्र राशि में चंद्रफल नहीं होता है और केतु का अलग फल नहीं होता, दो छोड़ दो, सात ग्रह हो गए। चंद्र राशि में कौन से भाव में किस ग्रह के रहने पर क्या फल मिलता है, पूरे सात ग्रहों को बताएंगे। अगर सात इंटू बारह चौरासी, चौरासी श्लोक यहां पर भी इस पर विचार होगा। पहले सूर्य को लेकर बताएंगे। चंद्र राशि में यदि प्रथम भाव में सूर्य होगा तो क्या फल है, मेष भाव